अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम बनाएंगे चॉकलेट पुडिंग। ये बहुत ही अच्छी है खाने में, ठंडी और टेस्टी लगती है खाने में और इजी भी है, बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। इसके लिए हमें लगेगा 2 टेबल स्पून हम भर के कोको पाउडर लेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, 2 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून इसमें राइस फ्लावर जाएगा। और हम लेंगे इसमें 400 ml मिल्क लेंगे, 2 कप के बराबर। और ये चॉकलेट है, ये मेरे पास होममेड चॉकलेट है। आप इस तरह का भी मार्केट का जो कुकिंग चॉकलेट मिलती है वो ले सकते हैं। और इसकी वीडियो में चॉकलेट की मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अभी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये ड्राई चीज़ों को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। शुगर, राइस फ्लावर और साथ ही इसमें हम कोको पाउडर भी ऐड करेंगे। अभी हमने कढ़ाई को गैस पर रख दी है। अभी इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। इसे हमको चलाते रहना है, इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। ये ठीक होते जा रहा है, अभी आप देख सकते हैं। अब इसमें हम चॉकलेट ऐड करेंगे। इसमें हमको 200 ग्राम चॉकलेट ऐड करना है। ये इसमें मेल्ट हो गई है। अभी हम गैस ऑफ करेंगे और इसको फिर थोड़ा सा कूल ठंडा करके हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये ठीक हो गई है। इसको हमने पहले फ्रिज में हाफ आवर के लिए रखे हैं और ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसमें हम पुडिंग निकालेंगे। अब ये इसको मैं फ्रिज में 1 आवर के लिए रखूंगी और आफ्टर 1 आवर मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी। ये हमने सर्व किए, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसको मैंने 1 आवर के लिए फ्रिज में रखी थी और ये 1 आवर में इस तरह से हो गया है और बहुत ही अच्छा बना है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, इसका ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।